भाई और बहनों, जरा आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना। इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही रेयर बात है। अगर आपके पास ऐसा 2 रुपये का सिक्का है डायमंड शेप का, तो इसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो 3.5 लाख रुपये है। तो आप इसको संभाल कर रख सकते हैं। और जो इस पर अमेजन पर इसको बेचा जाता है, IndianCoin.com पर इसको बेचा जाता है, ईबे पर इसको बेचा जाता है। अभी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कि इसकी क्या क्या वैल्यू है। अगर आपके पास ये दिखा रहा है, ये हिस्टोरिकल सिक्के हैं, ये नेताजी की जन्म शताब्दी पर बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस। तो ये है 2 रुपये का सिक्का, इसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख या 3.5 लाख रुपये है। और ये जो सिक्का आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सारे हिस्टोरिकल हैं। तो ये हमारे पास है 1999 का है, ये राष्ट्रीय एकता का प्रमाण है, ये तब बनाया गया था। अब ये देखोगे डायमंड की शेप का है, इस सिक्के की कीमत 3.5 लाख रुपये है मार्केट में। अब मैं आपको एक और हिस्टोरिकल सिक्का दिखाने जा रहा हूँ, ये 5 रुपये का सिक्का है, ये कोई आम सिक्के नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये सिक्का है हमारा भारतीय नगर विमानन शताब्दी वर्ष सिविल एविएशन इंडिया 1911-2011। इसको पूरे 100 साल हो गए थे, ये तब बनाया गया था। अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो इनको आप आम सिक्के ना समझिए, क्योंकि ये सिक्के मार्केट में 5 लाख और 10 लाख की वैल्यू के हैं। और साथ में ये सिक्का है, ये हमारे इसका है, चीन का है, जो हमारे तिरंगे पर लगा हुआ है। तो ये है हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, ये भी काफ़ी पुराना है, ये 1986 का है। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप इसको भी संभाल कर रखिए, क्योंकि इसके साथ हमारे जो ये गेहूं के जो वो बने हुए हैं, ये भी हिस्ट्री का सिक्का है। साथ में आपको बता दूं, ये हमारा 50 पैसे का सिक्का है जो मार्केट में बंद हो चुका है, इसकी वैल्यू भी 3.5-4 लाख रुपये है। तो आपके पास 25 पैसे का है, गेंडे का, उसके पीछे गेंडे का निशान बना हुआ, ऐसे ही होता है, तो उसकी वैल्यू मार्केट में 10 लाख रुपये है। ऐसे सिक्के आपके पास है तो आप उनको संभाल कर रखिए। साथ में आपको मैं और बता दूं, ये तो थे सिक्के, अब आपको बता रहा हूं मैं, ये जो हमारे पास 5 रुपये का नोट है, इसके ऊपर देख रहे हो कि ट्रैक्टर चल रहा है खेत में, तो इसकी वैल्यू मार्केट में 5 लाख रुपये है। अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो उनको आप संभाल कर कीजिए। 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के नोट हैं, 3 रुपये के नोट हैं, उनको भी संभाल कर कीजिए। साथ में ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 786, इसकी मार्केट में वैल्यू 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना आप इसकी मार्केट वैल्यू लगा सकते हो उतना आपको मार्केट प्राइस मिलता है। तो ऐसे सिक्कों को भी आप, ऐसे नोट को भी आप संभाल कर रखोगे तो आप ईबे वगैरह में इसको रजिस्टर्ड करके फ़ोटो डाल दो, जो भी ग्राहक आता है वो आपको जितने आप कीमत मांगते हो उतनी आपको कीमत मिलती है। ऐसे अगर आपके पास नोट हैं, और साथ में आपको मैं और एक दिखा दूँ, ये भी हिस्टोरिकल नोट है, ये हमारे 50 रुपये का बहुत पुराना नोट है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये आप देख रहे हो, ये हमारा बहुत पुराना नोट है। तो अगर आपके पास ऐसा नोट भी है तो आप उसको संभाल कर रखिए, क्योंकि आम नोट नहीं है, ये हिस्टोरिकल नोट है। साथ में इसके पीछे आप देखोगे ये चिन्ह है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।